हे गाइस, अगर आपके पास भी एक इलेक्ट्रिक साइकिल है और आप उसके बैटरी बैकअप को, उसके रेंज को डबल करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं है तो भी इस वीडियो को देख लो, बिकॉज कल को अगर आएगी तो आप उसके भी बैटरी बैकअप और उसके टोटल रेंज को बढ़ा सकते हो। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5, अंधेरा है पूरे तरफ। तो मेरे पास जो साइकिल है वो है लीडर की ई पावर L7। ये बैटरी बैकअप के मामले में कंपनी क्लेम करती है कि यह आपको तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर का रेंज दे सकती है जीरो होने तक। बट आई एम गोना शो यू कि किस तरीके से मेरे इन 5 सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल करके या टिप्स का इस्तेमाल करके आप इसके रेंज को ऑलमोस्ट डबल कर सकते हो या ट्रिपल भी कर सकते हो। तो अभी हमने हमारा जो GPS मीटर है वो लगा दिया है। 3 मिनट की राइड टोटल अभी की है, सिर्फ 1 किलोमीटर का, तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ कि देखो कितना ज़्यादा हम पूरा कवर कर सकते हैं। बैटरी बैकअप अभी ऑलमोस्ट 100% है, सो लेट्स स्टार्ट एंड वील सी कितना बैकअप ये पूरा देती है। अभी देखो गाइस, हर एक इलेक्ट्रिक बाइसिकल में ना आपको 2 मोड हमेशा देखने को मिलेगा। एक होता है पेडल असिस्ट और एक रहता है आपका थ्रॉटल मोड। सो टिप नंबर 1 जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा वो है कि व्हेनेवर यू गो आउट राइडिंग योर इलेक्ट्रिक बाइसिकल, कम्यूट के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आई रिकमेंड कि आप मोस्टली पेडल असिस्ट मोड का ही इस्तेमाल करें। पेडल असिस्ट मोड से क्या रहेगा ना, थ्रॉटल मोड पे ये फुल पावर चूसता है आपके बैटरी की, बट पेडल असिस्ट मोड पे आपको 3 लेवल मिल जाते हैं, बिल्कुल मिनिमम, मीडियम एंड हाई। सो एज पर योर प्रेफरेंस आप पेडल असिस्ट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गाइस, मैं अभी देखो ये ना फ्लैट रोड पे राइड कर रहा हूँ। सो व्हेन यू आर राइडिंग ऑन अ फ्लैट रोड, आप अपने बाइसिकल के पेडल असिस्ट मोड के मोड 1 या मोड 2 का इस्तेमाल कर सकते हो। सो अभी मैं मोड 1 में इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्लैट रोड है और हमारी जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ रही है। बट देखो जैसे ही मैं इसको पेडल असिस्ट मोड 2 पे करता हूँ, तो अब हमने इसका पेडल असिस्ट मोड 2 को हमने ऑन कर दिया है और जो हमारी स्पीड है वो ऑलमोस्ट 28 to 29 किलोमीटर पर आवर आ रही है। तो ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर पर आवर का इंक्रीज आपको जनरली मिल जाता है फ्लैट रोड पर राइड करते वक्त। नाउ डाउनहिल शुरू हो रहा है, तो डाउनहिल में आप क्या कर सकते हो, अपने पेडल असिस्ट मोड को पूरे तरीके से कर दो बिल्कुल लोएस्ट पे, जिससे कि आपका बैटरी बहुत कम कंज्यूम होगा और आपकी स्पीड भी मेंटेन रहेगी और आपकी रेंज बढ़ जाएगी। सो अभी गाइस देखो बिल्कुल फ्लैट रोड है और हम लोग बहुत आसानी से 27-28 के स्पीड पे क्रूज कर रहे हैं हमारी बाइसिकल पे पेडल असिस्ट मोड 2 पे। अब इससे क्या हो रहा है, अगर यहीं पे आप अपने थ्रॉटल मोड का इस्तेमाल करते तो आपको स्पीड ऑलमोस्ट इतनी ही मिलती 25-26-27 के करीब, बट वो आपका बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता जिससे आपकी रेंज कम हो जाती और आपको उतना अच्छा बैकअप मिलता नहीं। अब यहाँ क्या हो रहा है कि कम पेडल मारते हुए भी हमारी स्पीड काफ़ी अच्छी है एंड हम काफ़ी अच्छे तरीके से हाई स्पीड में राइडिंग कर पा रहे हैं। 28 से 29 किलोमीटर का स्पीड हम लोग अभी चला रहे हैं हमारी साइकिल को बहुत आसानी से। मैंने पेडल असिस्ट मोड 1 एंड 2 का इस्तेमाल किया है फ्लैट रोड पे। अब आप पूछोगे लेवल असिस्ट 3 का इस्तेमाल कहाँ करना है। सो असिस्ट नंबर 3 या आपका हाईएस्ट पेडल असिस्ट जो है उसको आपने इस्तेमाल करना है जैसे ही सामने कोई फ्लाईओवर आ जाए। जैसे अभी हमारे यहाँ पे देखो ये फ्लाईओवर आने वाला है, तो मैं इसके लेवल 3 मोड को लगा देता हूँ। ये हमने कर दिया ऑन एंड जस्ट लुक, हमारी बाइक हल्के हल्के पेडल के साथ ही अच्छी खासी स्पीड में भाग रही है। ये देखो 29-30 किलोमीटर की स्पीड में हम लोग अभी फ्लाईओवर को क्लाइम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक साइकिल है तो मैं उसके थ्रॉटल मोड का इस्तेमाल क्यों ना करूं? वेल, बिल्कुल करो थ्रॉटल मोड का इस्तेमाल, बट उस सिचुएशन में करो जहाँ पे आपके पैर थक गए हैं, आपके पैरों में चोट लगी है, नीज में पेन है या कुछ है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो अपने पेडल असिस्ट मोड का इस्तेमाल करो और अपनी बाइक को अच्छी खासी हाई स्पीड में राइडिंग करो। एग्जाम्पल के लिए लुक एट दिस, हम लोग अभी ऑलमोस्ट 32-33-35 इस स्पीड में क्रूज कर रहे हैं।
तो भाई जब इतना अच्छा स्पीड मिल रहा है पेडलेसिस मोड पे तो मजे क्यों ना लो, ये आपको थ्रॉटल मोड पे नहीं मिलेगा। और टिप नंबर टू जो आपके इलेक्ट्रिक बाइसिकल के ओवरऑल बैटरी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है एंड साथ ही साथ आपकी रेंज को भी बढ़ा सकता है, वो है गाइस आपके साइकिल का टायर प्रेशर। सो ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप राइड करने के लिए जा रहे हो ना, जो भी आपके साइकिल का मिनिमम टायर प्रेशर है एटलीस्ट उससे तो ऊपर ही आप अपने साइकिल के टायर प्रेशर को रखो, या फिर अपने वेट के अकॉर्डिंग आप अपने साइकिल के टायर के प्रेशर को मेंटेन करो। इससे क्या होगा, आपके जो टायर्स है ना ये काफ़ी अच्छे खासे बने रहेंगे और जब आप रोड पर राइड करोगे तो आपके बैटरी के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा, मोटर को कम प्रेशर पावर की ज़रूरत पड़ेगी और आप काफ़ी हाई स्पीड में राइड कर पाओगे। अभी यहाँ पे देखो गाइस, हमने 27 मिनट की राइड करी है, 11 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं। हमारा बैटरी इंडिकेटर अभी भी शो कर रहा है कि इसमें पावर अभी भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो इस तरीके से ना आप भी अपने साइकिल के बैटरी का कम पावर इस्तेमाल करके, तो 50% रेंज तो हम लोगों ने अभी कवर कर लिया है, बट देखो अभी और कितना ज्यादा हम इसके रेंज को इंक्रीज करते हैं। नाउ टिप नंबर 3 विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कि आप अपने इलेक्ट्रिक बाइसिकल के जो ड्राइव ट्रेन है ना, फिर चाहे वो गियर वाला हो नॉन गियर हो, और जो उसके ब्रेक्स हैं मोस्टली डिस्क ब्रेक्स ही आते हैं, उनको ज़रूर मेंटेन करो। अ लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन कि लोगों का ना डिस्क ब्रेक जो है वो रब करता है फ्रंट एंड बैक का, जिसके वजह से वो चाहकर भी हाई स्पीड नहीं ले पाते हैं, उनका रेंज कम हो जाता है बिकॉज बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है, वो तो अपना पूरा पावर देती है, मोटर भी काम करती है, बट ब्रेक रबिंग होने के वजह से ना आपकी जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाता है बिकॉज पावर ज़्यादा लगता है ना। तो मेक श्योर करना कि जो डिस्क है वो आपका रब ना हो रहा हो और जो आपका ड्राइव ट्रेन है वो भी अच्छी तरीके से आप मेंटेन करो, लाइक रेगुलरली क्लीनिंग ल्यूबिंग ये थोड़ा कर दिया करो, एंड अगर चेन बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही हो तो उसको भी अच्छे से थोड़ा टाइट करके रख दो, लाइक सिंगल गियर में चेन लूज़ हो जाती है, गियर वाला तो मेंटेन हो जाता है। अभी देखो 21 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं 50 मिनट में, 21 किलोमीटर से ऊपर राइड हो चुकी है, चलो 20 किलोमीटर मान लेते हैं, पहले का 1 किलोमीटर माइनस कर देता हूँ। बैटरी इंडिकेटर अभी भी देखो ग्रीन शो कर रहा है पूरा, दैट मीन्स मैं अभी भी इसको 20 किलोमीटर और राइड कर सकता हूँ, तो ऑलमोस्ट डबल इसकी रेंज हो जाएगी। भाई इन टिप्स को फॉलो करो, आपकी भी बैटरी का जो बैकअप है ना वो बढ़ जाएगा। नाउ एक और चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो आपके साइकिल में ना ऐसा एक लाइट शायद कंपनी वाले देते होंगे, जो ऐसी लाइट आती होगी बटन दबाने से ये होता है, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसका इस्तेमाल ना ही करो बिकॉज इसके ना ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा होती नहीं है और ये पावर बहुत ज़्यादा खाता है, तो ये किसी काम का उतना आता नहीं है। इस तरीके का एक सेपरेट आप लाइट ले लो, खरीदने में मिल जाता है ऑनलाइन 200-300 रुपए में, ये ज़्यादा अच्छी ब्राइटनेस आपको दे देगा, ये तो थोड़ा महंगा वाला है, बट थोड़ा बेटर ले लोगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छी ब्राइटनेस देगा लेट नाइट राइड करने के लिए। और एक टेल लाइट ज़रूर ले लेना दोस्त अपनी सेफ्टी के लिए। नाउ लास्ट स्टेप विच आई वुड लाइक टू शेयर वो है, नो मैटर आप कहीं भी राइड कर रहे हो ना, ऑलवेज मेक श्योर करो कि आप रेगुलरली इंटरवल पे उसको चार्ज कर लो, लाइक अगर आप सुबह राइड करने निकले हो तो एटलीस्ट उसको घर पे आने के बाद चार्ज पे लगा दो, कई लोग चार्ज ही नहीं करते हैं जिसके वजह से आपका बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो जाता है। तो कभी भी अपने इलेक्ट्रिक बाइसिकल के बैटरी को ना कम्प्लीटली ड्रेन आउट होने मत दो, एंड ऑलवेज मेक श्योर कि जो ओरिजिनल चार्जर आपको उसके साथ दिया जाता है ना उसी से ही आप चार्ज करो, कोई जुगाड़पंती करके इसको चार्ज मत किया करो जिससे कि इसके बैटरी लाइफ का और ज़्यादा कम हो जाए। पानी वगैरह से थोड़ा बचा लोगे तो और बेटर रहेगा, इससे आपकी बाइसिकल की जो बैटरी लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। हमने टोटल 41.74, तो पहले का 1 किलोमीटर माइनस कर देता हूँ, टोटल 40 किलोमीटर हमने कवर किया है 24 के एवरेज से। और अब इसकी बैटरी देखो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, ये देखो पूरी बैटरी ख़त्म, तो हमने ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक का रेंज इस साइकिल का एक्सटेंड कर दिया है हमारी टिप्स को फॉलो करके। तो आप लोग भी अपने इलेक्ट्रिक बाइक्स में ये वाले टिप्स को फॉलो कीजिए, आपकी भी बैटरी लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगी और रेंज बढ़ जाएगी। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे अमेजिंग टिप्स वाली वीडियो के लिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।